मौजूदा हाल में जब से मनोज पांडे आए हैं, थे समाजवादी के, लेकिन वो अच्छा काम किया, लेकिन अब उनको मौका भगवान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। अगर आज आते हैं जगह पे आ रहे हैं, अगर आज आएंगे बीजेपी से, तो जहाँ रह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने लूटा है देश को। बस इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस ही रहे, हाँ, अब जो है समय बदला है, अब मोदी जी का राज आया है, तो जिधर हवा बहती है उधर लोग जाते हैं, हम भाजपा के साथ हैं। लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज गया और तारीखों का ऐलान हो चुका है। हम रायबरेली के ऊंचाहार विधानसभा में मौजूद हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आखिर हम इन्हीं से जानते हैं आखिर ऊंचाहार का क्या माहौल चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद हैं, यही बताएंगे आखिर ऊंचाहार का क्या माहौल है। भैया क्या परिचय है आपका? संदीप त्रिपाठी। भैया क्या ऊंचाहार का क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्या लग रहा है, मनोज पांडे बीजेपी में आ गए तो लग रहा है कि पहले? नहीं, पहले भी मैं तो बीजेपी से ही था, मनोज पांडे थे तब भी, और उसके पहले से ही मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। इनका सपोर्ट नहीं कर रहे क्या आप? नहीं, बात था मनोज पांडे का, लेकिन व्यक्तिगत मेरा जो है मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मनोज पांडे के टाइम से भी मैं बीजेपी का सपोर्टर था। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का पहले था, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है कांग्रेस की, जो भी है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने काफी गढ़ था, नहीं गढ़ था कांग्रेस का, लेकिन आने वाले टाइम में कांग्रेस ने अगर ऐसा काम किया होता तो यहाँ से सोनिया गांधी छोड़ के ना जाती अपना क्षेत्र, और ना अमेठी से राहुल गांधी छोड़ के जाते, अगर अच्छा कार्य करते तब। पहले क्या था, बुजुर्ग लोग थे जो बता देते थे, ना मीडिया का ज़माना था ना कुछ था, हमारे जो वो है वो कोई चीज़ पहुंच नहीं पाता था। आज मीडिया का ज़माना हुआ, छोटे बच्चे बड़े बच्चे सारे जागरूक हुए, हमको क्या करना चाहिए, अच्छाई भराई जो भी है सब कुछ डिपेंड हुआ बच्चों ने, यानी कि हमारे हित में अगर बीजेपी कर रहा तो हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी कुछ कार्य बता दीजिए, कहले बेहतर है। बीजेपी एक तो गुंडा राज सबसे बड़ी बात है, गुंडा राज खत्म हुआ, कोई आदमी होता सुख चैन का अपना वो रहता है, पहले माहौल था गुंडा था, गर्दी था, चोर था, लुटोरिये थे, ऐसे होता रहता था, लेकिन अभी इस टाइम सारा नॉर्मल है। और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। दादा क्या नाम है? हमारा नाम रामेश प्रसाद तिवारी है। क्या माहौल चल रहा है ऊंचाहार का? अब ऊंचाहार का माहौल तो ये चल रहा है कि अगर मानो प्रियंका अगर खड़ी हो जाए तब तो कुछ राहत है कांग्रेस को मिल जाएगा, वरना सब भाजपा में है। प्रियंका के खड़े होने से कुछ ऐसा है कि उनका कुछ लोग सपोर्टर हैं। पंजा है कमल का फूल है? अरे पंजा तो हम जानी थी कांग्रेस का है, कमल का फूल जो है वो भाजपा का है, और इस समय तो सब भाजपा ही है भैया। मतलब सब भाजपा, इसलिए आप भी भाजपा में हो गए? अरे हम बाद में कहे भय हो गए, जब जैसा राज काज आवा वही तरह से बदलत गए। पहले तो हम समय रहा कांग्रेस में, हाँ कांग्रेस में इसके पहले तो सब रहा, हम सोनिया गांधी के समय से और इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस ही रहे, हाँ, अब जो है समय बदला है, अब मोदी जी का राज आया है, तो जिधर हवा बहती है उधर लोग जाते हैं, हम भाजपा के साथ हैं। आप बदल गए? मतलब बदल नहीं गए हैं, अगर इंदिरा गांधी का परिवार कोई यहाँ टिकट मिले और वो लड़े तो हम तो उसी को देंगे। कांग्रेस से नाराज है क्या? हाँ नाराज है क्या? नाराज वाराज नहीं ना, हम नाराज जौन है दुनिया हो गए भाई, इतना सुंदर जौन है, अब विकास हो रहा है भाजपा से कि लोग जौन है हम अपने आप जुड़ गए हैं, कहा कौन नाराजगी हो क्यों तो हो, इतना विकास के ऊपर जौन है लोग जौन है हमारे जुड़ गए। अच्छा, विकास को मान रहे हैं आप? हाँ विकास को बिल्कुल मान रहे हैं, विकास को दुनिया मानेगी। और भी दादा कहा है? वही बोल सका हम ना बोल पाए कहा होगा। अरे अच्छा कहाँ लग रहा है ऊंचाहार में? विधायक जिसे देखा जाए तो सपा के रहे हैं, यह टाइम माहौल का है? लिखे आदमी बोल लिया तो हम जो आप बता, जो आप बता ले हो दादा ना बता पाई मालिक जहाँ दे हुए थे होगा। मतलब कहा लगा था अपनी बार चुप बताए थे, कैसा माहौल लगा था अपनी बार? अब माहौल अब इतनी देर हम क्या बता दी भैया, मतलब पंजा है कमल का फूल। अब ये अब और भी कुछ लोग नीचे जानते हैं, भैया का माहौल चल रहा, पंजा है कमल का फूल है? कमल का फूल यहाँ उसके आगे कुछ भी नहीं है, नंबर वन पे है। क्यों है कमल का फूल? इतना काम है, वो पहले की सरकारें चोर थी सब, एकदम लुटेरी थी, केवल लड़ाते थे लूटते थे और कुछ काम नहीं था। ऊंचाहार में काम किसने किया? मनोज पांडे ने काम किया है, लेकिन मजबूर थे कि ऊपर से कुछ नहीं हो पा रहा था। अब मनोज पांडे सही जगह पे आ रहे हैं, अगर आ जाएंगे बीजेपी से तो। जहाँ रह रहे हैं लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की देन थी, लेकिन अब कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने लूटा है देश को, बस ओनली लूटा है। आप मान रहे हैं विकास मनोज पांडे ने किया, तो पहले सपा में ही तो थे? थे सपा में, लेकिन जब तक ऊपर नीचे दोनों सरकारें एक नहीं रहेगी कुछ नहीं होने वाला। नीचे वाला क्या कर सकेगा, उसमें सब चोर बसे हैं, मनोज पांडे के लिए क्या कर लेंगे?
कांग्रेस में क्या रायबरेली में तो कांग्रेस रायबरेली में तो कांग्रेस का मान के चलिए 200 साल नहीं आएगी, 200 साल की गारंटी लेता हूँ। क्यों? उसका काम खत्म हो गया एकदम से, बिल्कुल कोई है ही नहीं उसके उसमें उस लायक। जब तक गांधी परिवार हटेगा नहीं तब तक ये कांग्रेस खत्म होती रहेगी। और भी कुछ लोग इनसे जानने भैया क्या लग रहा है का माहौल है भैया? बीजेपी यहाँ से एकदम 100% प्रियंका ही है तो? अब भाई ज़्यादा तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि प्रियंका जी उन दादा बोलेंगे यहाँ प्रियंका जी आएंगे कुछ असर पड़ेगा। लेकिन बढ़िया कोई नेता अगर आया बीजेपी से ठीक ठाक तो फिर बीजेपी निकल जाएगी। अगर देखा जाए NTPC है, वो लोग कह रहे हैं कांग्रेस की देन है, और आप रह भी रहे ऊंचाहार में, अरे रोजगार भी शायद यहाँ के लोगों को मिल रहा होगा NTPC। अगर इस तरह देखा जाए तो पहले से फिर इनका जो अंग्रेजन के राज रहा वो हमें कहा बतावा जाए। अरे धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, बदलाव हो तो भाई समय बदला, बीजेपी सपोर्ट है पूरा। हाँ भैया हम लोग तो भाई बीजेपी के पक्के भक्त हैं। जब दादा का लग रहा है का माहौल है? माहौल तो बीजेपी का लग रहा भैया, कांग्रेस से नाराज है? नहीं नाराज है, कांग्रेस का समय जब था कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया, लेकिन अब युग आया मोदी युग। नहीं लोग कह रहे हैं रायबरेली में जो कुछ भी है वो कांग्रेस की देन है। हाँ था, लेकिन अब बदल गया सिस्टम, जब अब आ गया कांग्रेस का काम ही। देखो जब सोनिया गांधी 10 साल यहाँ 15 साल जब रही संसद, लेकिन ये 5 साल में तो बिल्कुल इधर आना ही उनका बंद हो गया। ऊंचा हार में विकास किसने किया है? ऊंचा हार में जब से मनोज पांडे आए हैं थे समाजवादी के, लेकिन वो अच्छा काम किया, लेकिन अब उनको मौका भगवान भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। अगर आ जाते हैं तो नहीं, जो भी आएगा भाजपा से भाजपा का ही माहौल दिखाई पड़ेगा। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? तो जो है विकासशील प्रत्याशी होना चाहिए। कैसे कैसे के जो मतलब सड़क रोड जैसे आजकल मोदी क्या कहते हैं गरीबों के लिए राशन दे रहे हैं फ्री, और क्या कहते हैं बिजली बढ़िया मिल रही है इस सरकार में, रोड मिल रही है बढ़िया रोड, देखो सब रोड हाईवे बन रहा है इतना बढ़िया, और क्या चाहिए? अभी तक तो मनोज कुमार पांडे सपा ही में थे, सपा ही से विकास हो रहा था। हाँ हाँ, अब बीजेपी में चले गए? बीजेपी में चल गए तो और तो डबल इंजन की सरकार बन गई, बीजेपी में चल गए तो और बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा। दोनों सरकारें हैं ऊपर की और नीचे के, यहाँ विधायक भी हमारा अगर भाजपा ही हो जाता है तो और बढ़िया है, और संसद भी अगर भाजपा ही हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है, बहुत बड़ा और विकास का विकास बढ़िया होगा। देख सकते हैं मेरे साथ बात करने के लिए ऊंचाहार विधानसभा के लोग बाकायदा बताए। अब देखना यह होगा रायबरेली का सरताज कौन होता है, ये तो आने वाला समय जरूर तय करेगा। ओम द्विवेदी, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।